दोस्तों लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। करोल बाग में स्थित हनुमान की मूर्ति के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा, इससे जुड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। दिल्ली के करोल बाग में स्थित 108 फीट ऊंचे हनुमान की मूर्ति एयरलिफ्ट नहीं होगी। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि करोल बाग में हनुमान की स्थित 108 फीट ऊंची मूर्ति वहीं रहेगी। कोर्ट ने मूर्ति के आसपास से अतिक्रमण हटाने का प्लान तैयार करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने DDA, PWD और MCD को प्लान तैयार करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। हाई कोर्ट में PWD ने कहा कि हनुमान मंदिर के पास काफी अतिक्रमण है। वहीं DDA ने कहा कि उसने गुरुवार को बग्गा मोटर की 1200 स्क्वायर यार्ड की जमीन पर अतिक्रमण हटाया है। हाई कोर्ट ने DDA, PWD और MCD को कहा है कि हनुमान मूर्ति के आसपास के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक लेआउट प्लान तैयार करें। आपको बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया था कि दिल्ली के करोल बाग में स्थित 108 फीट ऊंचे हनुमान की मूर्ति को एयरलिफ्ट की सहायता से हटवाया जाए। पीठ ने कहा कि अमेरिका में गगनचुंबी वस्तुओं का पूरी तरह स्थानांतरण किया गया है, तो वहीं NGO ने महानगर के करोल बाग इलाके में अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने की मांग की है, लेकिन दिल्ली के करोल बाग में स्थित 108 फीट ऊंचे हनुमान की मूर्ति अब कभी भी एयरलिफ्ट नहीं होगी। तो दोस्तों इस न्यूज के बारे में आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। आगे और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे न्यूज सूत्र चैनल से। धन्यवाद।